इंडिया की मिड रेंज स्मार्टफोन मार्केट में रियलमी ने भी अपनी जगह बना ली है। इस ब्रांड के फोन्स को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इसके अपडेट्स फॉलो कर रहे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि इनके हाल ही में लॉन्च हुए रियलमी X2 और सितंबर में लॉन्च हुए रियलमी XT में कौन सा फोन आपके लिए बेहतर है। में प्राइस के अलावा और क्या क्या चेंजेस हैं और जो मेजर प्रैक्टिकल क्राइटेरिया होते हैं जैसे कि डिस्प्ले, कैमरा और प्रोसेसर, उनमें कौन सा फोन कैसी परफॉर्मेंस देता है। सबसे पहले शुरू करते हैं लुक से। तो देखने में दोनों फोन्स बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों का स्क्रीन साइज और डिजाइन बिल्कुल सेम है। इन बोथ द फोन्स यू गेट अ 6.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन और दोनों ही फोन्स में फ्रंट पर वाटर ड्रॉप नॉच और इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है। अब फोन की बैक देखें तो एक जैसा ग्रेडियंट लुक ग्लास बैक के साथ आपको मिलता है। बस रियलमी X2 में आपको ये पर्ल ग्रीन वाला वेरिएंट मिलता है जो रियलमी XT में आपको नहीं मिलेगा। बाकी पीछे कैमरा डिजाइन भी काफी कॉम्पैक्ट है, सेंटर में ना होकर लेफ्ट कॉर्नर पर क्वाड कैमरास प्लेस किए गए हैं। सो ओवरऑल बोथ द फोन्स आर एग्जैक्टली द सेम इन टर्म्स ऑफ लुक्स। बाकी दोनों ही फोन्स में आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी, एंड्रॉयड पाई ऑपरेटिंग सिस्टम और कलर OS का यूजर इंटरफेस। स्पीड की बात करें तो दोनों फोन्स की स्पीड अच्छी है। Realme XT में Snapdragon 712 और Realme X2 में है Snapdragon 730G। एक रेगुलर यूजर के लिए इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, क्योंकि ऐप्स के खुलने और लोड होने में सिर्फ मिली सेकेंड्स का फर्क है जो उतना मैटर नहीं करता। अगर आप बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं तो Realme X2 का प्रोसेसर आपको ज़्यादा एफिशिएंट लगेगा। स्पीड वाइज X2 आपको बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस भी देता है, लेकिन आप अगर एक एविड गेमर नहीं हैं, सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स चलाते हैं, तो आपको ये दोनों प्रोसेसर्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। अब बात करते हैं कैमरा की। हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि दोनों फोन्स की कैमरा परफॉर्मेंस कैसी है। दोनों फोन्स की बैक पर आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। स्पेसिफिकेशन देखें तो दोनों के क्वाड कैमरा में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। सेम स्पेक्स की वजह से आप देख सकते हैं कि दोनों के बैक कैमरा की परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सेम है। कलर्स, डिटेल्स, शार्पनेस दोनों फोन्स में ली फोटोज की अच्छी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 का फर्क आता है। रात में ली फोटोज भी एक जैसी हैं। ये है दोनों का नाइटस्केप मोड जो हाल ही में XT में लाया गया है। बाकी मोड्स में ली फोटोज भी आप देख सकते हैं। अब चलते हैं फ्रंट कैमरा की ओर, जहां दोनों फोन्स की स्पेसिफिकेशन में बड़ा डिफरेंस है। Realme XT में है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और Realme X2 में है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। लेकिन इससे दोनों के फ्रंट कैमरा में कितना फर्क पड़ता है, दोनों की परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं। अपने आप में दोनों कैमरास अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये है डे लाइट में ली फोटोज और ये है पोर्ट्रेट मोड। यहाँ ज्यादा फर्क नहीं पता चलता, लेकिन जो फर्क है वो इंडोर लाइटिंग में ज्यादा दिखता है, जिसमें X2 का कैमरा नेचुरल टोन के जैसी फोटो लेता है और आपकी स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर देता है। वहीं XT में ली फोटोज बहुत ही प्रोमिनेंट वार्म टोन दिखाती हैं, मतलब एक रेड टिंट ऐड कर देता है इसका कैमरा, और XT का कैमरा आपके चेहरे के टेक्सचर को ज़्यादा इन्हेंस और शार्प भी कर देता है। लेकिन स्ट्रेंजली फोटोज़ की ओवरऑल शार्पनेस और क्लैरिटी के मामले में 16 मेगापिक्सल और 32 मेगापिक्सल वाले कैमरा में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। बाकी लुक वाइज दोनों में से आपको कौन से फ़ोन का कैमरा बेहतर लगता है, टेल अस इन द कॉमेंट्स। अब आते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग पर। तो ये है डे टाइम की वीडियो। तो ये है रियलमी XT। आप इसकी वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं। मैंने कोई माइक नहीं पहना हुआ है। ये है रियलमी X2। मैंने कोई माइक नहीं पहना हुआ है। आप इसकी ओरिजिनल ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं और ये है इसकी वीडियो क्वालिटी। और ये है नाइट टाइम का सैंपल। Now let's move on to the most important part, yani price. Realme XT के 4GB plus 64GB वाले base variant की कीमत है 15,999 rupees.
वहीं रियलमी एक्स टू के इसी बेस वेरिएंट की कीमत है 16,999 रुपीज, यानी कीमत में 1,000 का फर्क है। ज्यादातर क्राइटेरियाज में दोनों फोन्स एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ प्रोसेसर और फ्रंट कैमरा में दिखता है। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स चलाते हैं तो आपके लिए XT का प्रोसेसर काफी रहेगा, वहीं हैवी गेमर्स के लिए X2 इज अ बेटर चॉइस। फ्रंट कैमरा की बात करें तो अगर आपको नेचुरल लुकिंग फोटोज चाहिए तो X2 उसमें बेहतर है, वहीं अगर आपको वार्म टोन वाली फोटोज चाहिए तो आपके लिए XT सही रहेगा। अब दोनों फोन्स Realme XT और Realme X2 में आपको कौन सा फोन बेहतर लगता है, आपकी क्या चॉइस होगी, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।